अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, मज़े में। तो यार आज हमारा प्लान बना है पोर्ट डिक्सन जाने का, और हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का रास्ता है, और हम लोग अभी परसों तरसों ही वापस आए हैं कैमरन हाईलैंड से। अभी मैं पोर्ट डिक्सन वाला कट लेके वॉशरूम वगैरह के लिए ब्रेक के लिए खड़े हुए थे यहाँ पे सारे। आज भी हम 2 गाड़ियों पर ही आए हैं, और सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ये तो होता है व्लॉगिंग में, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये तो होता है। तो खैर अभी हमने पोर्ट डिक्सन वाला कट ले लिया हाईवे पे, जौहर बारू वाली हाईवे है ये, और यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटा में आगे जाते जाते लग जाएगा। और हमारा स्टे होगा 4 दिन का 3 रातों का, और बीच है, बीच एरिया। मैंने कहा ठंड से डायरेक्ट स्विच करते हैं बीच पर, थोड़ा सा ज़रा इंजॉय हो जाएगा, मज़ा आएगा, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, आज सुबह से बारिश हो रही थी बड़ी ज़ालिम किस्म की, और ये हालात हैं अभी फ़िलहाल बादलों के। और ये टोल प्लाज़ा अभी हम क्रॉस करके हैं, और यहाँ पे फैमिली वाले गए हुए सारे वॉशरूम वगैरह के लिए। तो अभी यहाँ से हम आगे से लेफ़्ट हो जाएंगे कि सीधा जाएंगे, ये सारी जेबी वाली रोड है, वहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट डिक्सन राइट, हम यहाँ से राइट होकर सीधा उधर चले जाएँगे। तो अभी बैठते हैं अपनी गाड़ी में, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। तो जी वेलकम बैक, एंड वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन टुडे, और इस होटल का नाम है, होटल तो नहीं है, इट्स मोर लाइक अ रिजॉर्ट, और इसका नाम है ग्लोरी बीच रिजॉर्ट। और हमारा सफ़र तकरीबन मैक्सिमम भी है ना 1.25 घंटे का रहा होगा, जिसमें हमने एक ब्रेक लिया जिसमें मैंने आपको इंट्रो दिया। और अभी हम पहुंच गए हैं होटल में, रिजॉर्ट में अपने, और यहां से अभी अपनी कीश ही लेंगे होटल की, रूम की कीज़, और फिर जाके ऐसा ऐसा जो है अपना लगेज अनपैक करके, अनलोड करके अपना लगेज लगाते हैं अपनी ट्रॉलीज में और स्टफ़ में, और उसके बाद आते हैं दोबारा बीच पे। इसके पीछे ही फेसिंग है, एडजेसेंट बीच है, बड़ी खूबसूरत, आपको भी दिखाते हैं। तो जी गाइस वेलकम बैक, एंड वी हैव अराइव्ड, जैसे मैंने बताया था कि हम होटल सॉरी रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। अपार्टमेंट वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली, थोड़ा छोटा लेकिन वैल्यू फॉर मनी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और व्यू अभी आपको दिखाते हैं। So we have our 2 pools, one for the adults and one for the kids. Also the play area is over there, so the kids can enjoy themselves. और बाकी कुछ garden है, कुछ turtle hut है, और इनकी अपनी ही कुछ activities हैं। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है ना, ये छाती है, पूरा इनका एक restaurant है। और मज़े की बात यह है कि white sand beach है, लेकिन थोड़ी सी ये area गंदा है, लेकिन ठंडा है, हवा बहुत अच्छी आ रही है, आपको नज़र आ रहा होगा दरख्तों के रुख से, सीधी हवा, फेसिंग बालकोनी हमारी ये है। और इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मॉर्निंग एवरी डे, ताकि आराम से उठेंगे यहाँ पे, नाश्ता नुश्ता करेंगे बैठ के, और ये व्यू इंजॉय करेंगे। सो दैट्स द पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे इनकी ट्रेड शेड आती है, सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब मैं ड्रोन शॉट्स लूँगा देन आई विल ट्राई टू कवर दिस होल सी, नॉट होल सी, जस्ट अ बिट ऑफ इट। तो अभी ये है कि मलेशियंस फुल इंजॉय कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। तो अभी लंच हमने नहीं किया, तो सबसे पहला काम ये है कि सामान रखने के बाद, अभी मुँह हाथ धोने के बाद, अब हम जाएंगे लंच करने। नीचे ही इनका कैफ़े है, और वहाँ से जो है कुछ खाते हैं, लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर देखेंगे क्या प्लान करते हैं, यहाँ स्विमिंग के लिए आना है या बीच पर जाना है, शीशा कहाँ लगाना है, जो भी सीन होना, जो भी सीन हुआ आपको साथ साथ मैं बताता चलूंगा। और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। सो गाइस वेलकम बैक, एंड दिस इज आवर पूल, और ये है अपार्टमेंट, आई थिंक वहां पे जाके मेरा अपार्टमेंट, और रूम में लोग वहां पे हैं। ये प्ले एरिया छोटा सा, और ये एक टर्टल की जगह बनाई है इन्होंने, जो कि खुलेगी आई थिंक सैटरडे को, या बुकिंग होती है इसकी। तो सेव आवर टर्टल्स नाउ, इनक्यूबेशन टाइम। अच्छा, ये जो टर्टल्स के बच्चे होते हैं ना, उसको हैच करवाने का टाइम है, और
ये आपको सारा गाइड करते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है अंडा कैसे फुटता है, फलाना ढमकाना, जितना भी उसका होने का टाइम होता है वो दिखाते हैं। टर्टल्स इन मलेशिया, लेदर बैक टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, ग्रीन टर्टल, ओलिव। तो ये है जी नीचे वाली एक जगह। हवा बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। मेन बीच पे रहने का फ़ायदा ही है कि आपको जो है ना कम से कम हवा ठंडी मिल जाती है। तो अभी मैंने आपको लंच दिखा दिया, चिकन चॉप मंगाया था, कुछ देसी नहीं खाया मैंने क्योंकि हमें भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि देसी में टाइम लग जाना था बहुत ज़्यादा। तो बेहतर यही समझा मैंने कि यार जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो अभी यह है कि मैं जा रहा हूँ बीच पे और यहाँ पे जो भी सीन होगा वो आपको दिखाता हूँ साथ साथ। ये आ गई बीच और लड़कियाँ मुझे देख के ऐसी जा रही हैं, पता नहीं क्या। मैंने कुछ कहा भी नहीं किसी को, ना ही मैंने किसी को कुछ बोला है, ना ही दिखाया। तो ये है जी बीच का स्पॉट, एक वो जगह और एक ये जगह। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे खड़े होकर ड्रोन उड़ा लेता हूँ। ये भी हम शैले लेना चाह रहे थे लेकिन शैलों में थोड़ी सी गर्मी होनी थी और रात को जो ना ज़रा बड़ा ही खौफनाक सा व्यू आना था क्योंकि वेव सारी जो है ऊपर आने का खर्चा था, डर लग जाना था हमें। तो अभी ये है कि इधर नहीं नहाना, समुंदर से मैं बहुत डरता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक पानी मेरे पाँव पर टच होता रहे फ्लोर, मैं अपने आप को पुश अप कर सकूँ, तब तक के लिए मैं इजी हूँ, जैसे पूल होता है। इस तरह के शैलो पानी में भाई मेरे से नहीं नहाया जाता, ठीक है। तो अभी ये है कि ओवरव्यू देते हैं आपको पहले एक रिजॉर्ट का। ये है जी रिजॉर्ट और इसके चार ब्लॉक्स हैं, आई थिंक तीन ब्लॉक हैं, 1, 2 और 3, ABC, पता नहीं इस तरह कुछ होगा सीन। तो अभी मैं लेता हूँ एक ड्रोन शॉट और कोशिश करते हैं कि अच्छी आ जाए, जितनी अच्छी आ सकती हूँ ये लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। तो आपसे होती है मुलाकात थोड़ी देर बाद।
जी ख्वातीनों हज़रात, ड्रोन शॉट्स लेने के बाद अभी मैं चढ़ गया हूँ, पता नहीं कहाँ चढ़ गया हूँ। अच्छी जगह लग रही है, मेरे सैंडल भी थोड़े स्लिप हो रहे हैं और इनमें गैप्स भी हैं, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है ना, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है कि मैं बता नहीं सकता कितनी कोई सुहानी और ज़बरदस्त और मज़ेदार और जकास किस्म की हवा चल रही है। तो अभी इधर बैठूंगा मैं थोड़ी देर यहाँ पे इधर, और सूरज मेरे बिल्कुल ऊपर है लेकिन बादलों में छुपा हुआ है हो रहा, और मैंने अभी ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं सब एरिए की, जो कुछ मेरे से रह गया होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पता नहीं कोई फैक्ट्री है उसका धुआं है, डोंट वरी। और पानी अच्छा खासा डूंगा है और अच्छा यार, मज़े का माहौल है। मतलब घर से अगर आपने एस्केप करना है थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए, तो इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। पोर्ट डिक्सन इसकी जगह का नाम है, और बीच का नाम क्या है पता नहीं, बीच का नाम भी पोर्ट डिक्सन ही है, लेकिन नहीं, जो भी नाम होगा मैं बता दूंगा। बाकी जो पोर्ट डिक्सन की हिस्ट्री है उसके बारे में बताता चलूँ, जो पोर्ट डिक्सन नाम है वो डिक्सन के नाम से रखा गया था। डिक्सन एक इधर का, जब पोर्ट स्टार्ट हुआ था तो जो ऑफिसर इंचार्ज था ना उस पोर्ट को संभालने का, उसका नाम था डिक्सन। एक थ्योरी ये है। सेकंड थ्योरी के जी सर जॉन फ्रेडरिक डिक्सन एक बंदा था जो कॉलोनियल सेक्रेटरी था और सीनियर ऑफिशियल था, मलेशिया का मेंबर था, और उसने ये स्टेट फाउंड की थी, और ही वॉज अ को फाउंडर एंड फाउंडर, और इसी ने ओरिजिनेट की थी ये जगह पोर्ट डिक्सन। दो थ्योरीज हैं, पहली मैंने आपको बता दी, दूसरी मैंने आपको बता दी, और अब इनमें से कौन सी सच है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वी विल फाइंड आउट। जब तक हम यहाँ पे हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के पता करेंगे। बाकी यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, म्यूज़ियम हैं वॉर के, जो कि वॉर इनकी जब होती थी, तो यहाँ पे एक फोर्ट भी है जो कि किला बनाया था, एक लाइट हाउस है यहाँ से तकरीबन 30-35 मिनट की ड्राइव पे, लाइट हाउस, उसके नीचे एक फॉरेस्ट है जिसकी आप हाइक कर सकते हो। तो आई एम ऑल सेट टू गो इंशाल्लाह। कल का प्लान ये होगा कि कल मैं और साथ भी उधर निकल जाएंगे मॉर्निंग टाइम में नाश्ता करते साथ ही इंशाल्लाह, फॉरेस्ट में भी और लाइट हाउस में भी। वहाँ एक्सप्लोरेशन करने के बाद क्या करते हैं बाद में आके वापसी भी, वो भी दिखाते हैं आपको। ATV वगैरह भी है, सब कुछ है, तो वी आर गोइंग टू इन्जॉय आवर सेल्व, और साथ में आपको भी कराएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं रख लूँ अपना मोबाइल और GoPro बैग में और चलते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या करना है। ओ सर, ये ट्यूबें चुके ले आए हैं बच्चों के लिए, ठीक है ट्यूबें। ये क्या सीन है बाबा जी, ये स्लाइड है क्या है, अभी पता लग जाएगा। बच्चों की तो लॉटरी निकल गई। और ये जो पूल है ना भाई जान, ये सब भरा हुआ है, और मलेशियंस क्या, लड़ने क्या, लड़कियां क्या, सब भर गए यहाँ पे, तो हम तो भी नहीं जा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि रश जितना ज़्यादा होगा उतना मज़ा नहीं आएगा, जितना रश कम होगा स्विमिंग में उतना मज़ा आएगा। तो अभी देखते हैं, अगर ये थोड़ी देर तक चले गए तो मैं भी डुबकी शुबकी लगा लूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा थोड़ा सा, और अगर ना लगाई डुबकी तो कल सही, देखते हैं क्या प्लान बनता है कल। तो जी वेलकम बैक टू द चैनल, और हमने अभी नहाया बड़ा ज़बरदस्त किस्म से, और बड़ा ही मज़ेदार माहौल था, बड़ा मज़ा आया, बड़ा हमने इन्जॉय किया, और मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोज़ अगर मुझे मिल गई तो वो मैं डाल दूँगा। अभी मैं शावर लेके आया हूँ पीछे अपने यहाँ अपार्टमेंट्स के नीचे शावर वाली जगह, वहाँ से, और बच्चों के पूल में नहाया, बड़ों के पूल में नहाया, और सबसे छोटे बच्चों के पूल में नहाया, ठीक है, और ट्यूब्स वगैरह ली थी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा दिन रहा, सारी थकावट जो है ना वो सब ख़त्म हो गई। और अभी ये प्लान है कि बच्चों को ज़रा और इन्जॉय करने देते हैं, हम लोग ज़रा अपने आप को कवर करते हैं, और थोड़ी देर तक जाएंगे अपने घर, और वहाँ जाके शावर लेंगे, फ्रेशन अप होंगे, बाल छाल बनाएंगे, और फिर रात को दोबारा आएंगे खाने के लिए। तो आप ये हाल देख रहे होंगे, ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि मैं स्लाइड से आ रहा था, और मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पीड का जो है ना वो अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतनी तेज़ स्पीड हो जाएगी। वो वीडियो मैं आपको इसके साथ लगा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। और ये लगी हल्की सी चोट, बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट,
और जितना हमें हमने इंजॉय किया उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था। अभी जाके शावर लेते हैं और थोड़ी सी क्रीम्स वगैरह लगाते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो हमारे जिस्म को। तो उम्मीद है आपको आज की सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ और ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। तो रात का जो सीन है वो भी आपको दिखाएंगे, अभी टाइम है घर जाने का। उम्मीद है आपको आज की सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ और ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। तो रात का जो सीन है वो भी आपको दिखाएंगे, अभी टाइम है घर जाने का। तो जी वी हैव अराइव्ड और आज अभी हमारा बुफे का सिस्टम स्टार्ट होने लगा है। एंड वी डू हैव आवर वाइट राइस नासी पूते इन दिस वन ऑल्सो नासी पूते एंड दिस वन इज आई एम ब्लैक ब्लैक पेपर चिकन दिस वन एंड नेक्स्ट वन इज हेलो दिस वन इज इकन बरलादा आइकन फिश को कहते हैं। और ऑमलेट था यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सैलड था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो बाकी आधी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास सूप है, सूप आया है हमारे पास। और ये देखें और यहाँ पे हमारे पास है बुबूर का चांग, मतलब चनों का जो होता है रस। बाकी सैलड है, कस्टर्ड है, खीरा है और इस तरह की चीज़ें हैं, चटनी वगैरह और फ्रूट है। तो अभी खाते हैं। तो जी वेलकम बैक और खाना हमने खा लिया बड़े अच्छे से, ज़बरदस्त तरीके से। माशाल्लाह बुफे अच्छा था इनका और इतना महंगा भी नहीं था। 30 रिंगट हमने पे किया एक बंदे का और तीन लोगों ने बुफे ले लिया था और बाकी ने अला कार्ट ऑर्डर किया था अपना। तो अभी हम लोग जो अपने रूम में जा रहे हैं और वहाँ जा कर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद मैंने और सादी ने जाना है कुछ मार्केट से सामान लेके आना घर का, तो वो घर में ला कर डालेंगे। और फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह होगी मुलाकात अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और कल का प्लान जो भी होगा साथ साथ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन जैसे मैंने बताया लाइट हाउस जाऊंगा, अगर बारिश ना हुई तो चले जाएंगे, अगर हुई बारिश तो फिर हम कुछ और प्लान कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे होती मुलाकात सुबह। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।